दिस इज मेगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मौका हर किसी को मिलता है, पर सच तो ये भी है कि मौका एक बार ही मिलता है, जिसको बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। आपको उस एक मौके पर खरा उतरना होगा और उसे बरकरार रखना भी होगा। दरअसल एक्ट्रेस तनिषा मुखर्जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी नई फिल्म और करियर के बारे में खुलकर बातचीत की। तनिषा ने बताया कि उनका करियर आगे क्यों नहीं बढ़ा और पापा की कौन सी बात ना सुनने का अब भी है उन्हें मलाल। तनिषा हाल ही में फिल्म लव यू शंकर में नजर आई। नामचीन एक्ट्रेस तनुजा की बेटी और काजोल की छोटी बहन तनिषा मुखर्जी ने भी परिवार के बाकी सदस्यों की तरह एक्टिंग को अपना प्रोफेशन चुना, पर उनके हिस्से दूसरों जितनी कामयाबी नहीं आई। साल 2003 में फिल्म से डेब्यू करने वाली तनिषा पर्दे पर कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही नजर आई। इसके बाद उनकी जिंदगी फिल्मों में थम सी गई थी। वैसे तनिषा को बॉलीवुड में करीब करीब 20 साल हो गए, मगर काफी कम फिल्मों में ही नजर आई हैं वो। तनिषा के साथ अक्सर ऐसा होता देखा गया है कि वो अचानक किसी फिल्म में या शो में नजर आती है, फिर स्क्रीन से दूर हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल तनिषा से जब इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका फिल्मी सफर अभी चल ही रहा है, वो अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, एक्ट्रेस ने कम काम किया है वो खुद भी मानती हैं, और उनका कहना है कि वो थोड़ा थोड़ा काम करती रहती हैं, लेकिन उन्हें ऐसे काम करने में मज़ा आ रहा है। तनिषा को लगता है कि अगर आप सब कुछ अभी कर लेंगे तो आगे क्या करेंगे। फिलहाल अभी बहुत कुछ नहीं किया है और अभी बहुत कुछ करने का मौका है, बाकी कम काम करने की वजह कोई नहीं है, जब काम अच्छा मिलेगा तो वो जरूर करेंगी। तनिषा चाहती है कि वो अलग अलग कैरेक्टर्स करे, अच्छे लोगों के साथ काम करे। वैसे एक्ट्रेस हमेशा एक्टिव थी, अब पिक्चर रिलीज नहीं हो रही है या चल नहीं रही है तो उनके हाथ में नहीं है। लोग सिर्फ वो देखते हैं जो बाहर निकलता है, पर तनिषा कभी इनएक्टिव नहीं थी। दरअसल उनका एक एनजीओ है जिसमें वो टाइम बिताती हैं, काम करती हैं। एक्ट्रेस का मानना है कि एक जिंदगी है, एक्टिंग से प्यार है, लेकिन ये उनके जिंदगी का हिस्सा भर है। फिर उनके जिंदगी में आया बिग बॉस 7 का टर्निंग पॉइंट, जिससे उनको लाइमलाइट मिलने लगी थी। सबको लगा ये एक्ट्रेस फिर से छाने वाली है। इसी बीच बिग बॉस में उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी अरमान कोहली के साथ। तनिषा मुखर्जी और अरमान कोहली अच्छे दोस्त बने, फिर देखते ही देखते ये दोनों दोस्ती से एक कदम और आगे निकल गए और अक्सर ही एक दूसरे को किस करते हुए और गले लगते हुए नजर आने लगे, जिसके लिए सलमान खान ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। फिर दोनों बिग बॉस के घर के बाहर भी स्पॉट हुए, धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड होती चली गई। इनके परिवार में माँ तनुजा, बहन काजोल, जीजा अजय देवगन सभी बड़े स्टार्स हैं। ऐसे में उनकी तुलना उनसे होना लाजमी है, जिसका प्रेशर एक्ट्रेस पर होता ही होगा। पर एक चीज तो आम लोगों की लाइफ में भी होता है कि हमारी चिंता घर वालों से ज्यादा बाहर वालों को होती है, तो वही होता है तनिषा के साथ। उनके परिवार में ऐसी तुलना नहीं होती, बाहर होती है, लेकिन उन्हें कभी महसूस नहीं होता क्योंकि बाहर के लोगों का क्या करना। तनिषा का मानना है कि अगर फैमिली में एक भी बंदा सक्सेसफुल है तो पूरा परिवार सक्सेसफुल है, क्योंकि एक इंसान की सफलता सबकी होती है। एक का बड़ा होना सबका बड़ा होना होता है। तनिषा मुखर्जी बेहद पॉजिटिव इंसान है। उनका मानना है कि कृष्ण ने कहा था ये पूरी जिंदगी माया है, तो आप किसी चीज को कैसे देखते हैं सब उस पर निर्भर करता है। अगर हम अपनी जिंदगी को नेगेटिव रूप में देखेंगे तो सब गलत नजर आएगा, लेकिन अगर तो रानी महारानी की जिंदगी है तो बहुत लकी है कि ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, उनके रिश्तेदार ऐसे हैं। तनिषा अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती है कि ऐसी फैमिली मिली है। इन सब बातों को जानकर ऐसा लग रहा है कि तनिषा अपने जीवन के उस पड़ाव पर है जहाँ फैमिली साथ तो कोई गम नहीं, और इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है कि करियर का उतार चढ़ाव जीवन का सिर्फ हिस्सा भर रह गया है। वैसे तनिषा मुखर्जी की शुरुआत की फिल्में नहीं चली, तब एक्ट्रेस को बहुत बुरा लगा था, दिल टूटने वाली बात थी, और तब इतने मैच्योर नहीं थे कि लगे इट्स ओके, तब लगता था यही सब कुछ है। उस टाइम ये एहसास नहीं था कि सफलता या असफलता आपको डिफाइन नहीं करती। उस वक्त तो कोई फिल्म नहीं चलती थी तो लगता था जैसे इस असफलता से पूरी जिंदगी थम गई हो,
एक फ्लॉप से पूरी लाइफ फ्लॉप हो गई हो। शायद इसी वजह से तनीषा का करियर आगे नहीं बढ़ा। धीरे धीरे सीखा कि एक असफलता से कुछ नहीं होता, एक सफलता से भी कुछ नहीं होता, बस काम करते जाओ। इसीलिए आज उनको अपने पापा की वो बात याद आती है जहां वो कहते थे कि सिर्फ काम करो, मगर तब तनीषा को लगता था कि एक फ्लॉप मतलब बंद कर दो काम। तनीषा की पहली फिल्म नहीं चली तो उन्हें लगा कि अरे अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पहली पिक्चर नहीं चली। लेकिन फिर उन्हें टैंगो चार्ली मिली, सरकार मिली, नील एंड निकी मिली, तब पता चला कि आप सिर्फ अपने काम करते जाओ, जितना काम करोगे उतना अनुभव मिलेगा और वो सबसे ज़रूरी है। वैसे अपने तो अपने होते हैं। तभी इस निराशा भरे दौर में तनीषा को साथ मिला था उनकी माँ तनुजा और बहन काजोल का। एक्ट्रेस की माँ ने उन्हें बहुत पते की बात सिखा दी, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। फिलहाल तनीषा ने लव यू शंकर में माँ का रोल प्ले किया है। फिल्म में पहली बार एक्ट्रेस ने एक माँ का किरदार निभाया है और उन्हें बहुत अच्छा लगा। इन्होंने अपनी माँ की बात को समझा और आज हर अच्छे किरदार को कर रही हैं और आगे भी करेंगी जो उन्हें लगेगा कि हाँ ये करनी चाहिए, क्योंकि माँ ने कहा काम पर फोकस करो, फल पर नहीं। वैसे सही कहा तनीषा ने, एक फिल्म ना चले या आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल ना हो तो सोचने लगते हैं कि आप जीवन में फेल हो गए हैं। एक चीज आपको डिफाइन नहीं करती, बस काम करो, फल की चिंता मत करो, समय आने पर सब होगा। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।